नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम आपको हर्षवर्धन पर चर्चा करेंगे। हर्षवर्धन भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जानते हैं कि ये तो पुष्यभूति वंश के थे, लेकिन इनके बारे में, पुष्यभूति वंश के बारे में जानकारी के क्या ऑथेंटिक सोर्सेस हैं, पहले ये जान लेते हैं। तो पहला तो बाणभट्ट रचित हर्षचरित है, और दूसरा जो है वेनसांग का जो यात्रा वृत्तांत है, सी यू की नहीं वो है। आपको पता ही है कि हर्षवर्धन के ही शासनकाल में वेनसांग भारत आया था, उसका यात्रा वृत्तांत सी यू की के नाम से जाना जाता है। उसके बारे में पूछता भी जाता है कि सी यू की किसकी यात्रा वृत्तांत है। कुछ नाटकीय घटना होता है हर्षवर्धन के साथ, उसके बारे में भी चर्चा करना जरूरी है। क्योंकि इनका वंश का नाम पुष्यभूति वंश है, आपको पता है कि जब गुप्त काल का पतन होता है तो भारतीय इतिहास में एक अलग ही राजनीति प्रवृत्ति जन्म लेती है। वो प्रवृत्ति है विकेंद्रीकरण का और क्षेत्रीयता का। लगभग ये विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति, क्षेत्रीयता की प्रवृत्ति 1000 ईस्वी तक चलता है, लेकिन इस बीच में अगर एक सूत्र में भारत को बांधने का प्रयास कोई करता है तो वह है हर्षवर्धन। इसलिए हर्षवर्धन काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब देखिए, प्रभाकर वर्धन के पुत्र हैं राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और इनकी एक बहन है राजश्री। राजश्री का विवाह मौखरी वंश के गृहवर्मन से होता है। एक दिन अचानक से घटना घटित होता है कि प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होती है, और जस्ट जब राज्यवर्धन राजा बनता है तो उसी समय, तत्काल उसी परिवेश में, उसी टाइम में, कहते हैं कि बाणभट्ट में हर्षचरित नहीं लिखा है कि गृहवर्मन की हत्या कर दी जाती है, जो राजश्री के हस्बैंड है, और राजश्री विधवा भी हो जाती हैं और उन्हें बंदी भी बना लिया जाता है। और इस समय जो बंगाल में शासन चल रहा है वो गौड़ वंश के शशांक का चल रहा है, और शशांक का शत्रुता है पुष्यभूति वंश से। तब राजवर्धन उनको उस मैटर को सॉल्व करने के लिए जाता है, तो शशांक उसकी भी हत्या छल से कर देता है। तब हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का राजा बनता है। इन लोगों का मूल निवासी पुष्यभूतियों का स्थानेश्वर था, जो आज के अंबाला का थानेश्वर है। और राजा बनते ही वो पहला काम बहन राजश्री को छुड़ाने का करता है, जबकि बहन तब तक बंदी गृह से भाग चुकी थी और माँ अभी सती बनने ही जा रही थी। सती बनने से पहले एकदम जस्ट कहते हैं कि चिता जला चुकी थी, बोझ चुकी थी, उसी समय हर्षवर्धन पहुंच जाता है, अपने बहन राजश्री को बचा लेता है और अपनी राजधानी कन्नौज लेके आता है। कन्नौज पाटलिपुत्र के पतन के बाद सबसे महत्वपूर्ण जगह के रूप में अगर कोई जगह उभर के आया था तो वो था कन्नौज। और हर्षवर्धन की अगर सीमा देखें तो पूरब में गंजाब, पश्चिम में बल्लभी, उत्तर में कश्मीर छोड़ दीजिए तो सारा, और नीचे आपका दक्षिण में उसका नर्मदा नदी तक उसका सीमा रेखा था हर्षवर्धन का। तो लगभग पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का प्रयास ये किया हर्षवर्धन ने। कन्नौज का तो इतना महत्व बढ़ गया था कि उसको महोदय नगर कहते हैं, महोदय नगर। शिक्षा का केंद्र भी बनता जा रहा था। हर्षवर्धन ने एक सभा भी बुलाई थी, बौद्ध सभा, बहुत बड़ा बौद्ध सभा, जिसका संरक्षण करता वो वेनसांग को ही बनाया था। खैर, हर्षवर्धन एक ऐसा राजा है जिसको साहित्यकार राजा भी कहते हैं। कारण, क्योंकि खुद वो नाटक लिखता था, जैसे नागानंद उसने लिखा है, प्रियदर्शिका उसने लिखा है, रत्नावनी
रत्नावली भी हर्षवर्धन ने लिखा है नहीं, और खुद ये विद्वानों का संरक्षक भी था, एक तो बाण भट्ट और वेनसांग को संरक्षण दिया ही था, साथ ही साथ दिवाकर को भी दिया था। हम देखते हैं कि ये लोग शिव के भी, हर्षवर्धन व्यक्तिगत रूप से शिव का उपासक है, शिव उपासक है, जबकि इनके काल में बौद्ध के भी उपासक ये हैं, सूर्य के भी उपासक हैं, और ये खुद शिव का उपासक है। हर्षवर्धन का एक और नाम है शिलादित्य, हर्षवर्धन शिलादित्य के भी नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, पूछता है कि इसमें से कौन सा शासक शिलादित्य के नाम से जाना जाता है, तो उत्तर हर्षवर्धन लीजिएगा। नहीं, और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, कहते हैं कि हर्ष संवत है 606 ईस्वी से, जब हर्षवर्धन का राज्याभिषेक होता है 606 ईस्वी में, वहीं से हर्ष संवत माना जाता है, और इनकी मृत्यु होती है हर्षवर्धन की 647 ईस्वी के आसपास। ये अपने राज्य से उत्पादन का 1/6 कर लेता था, टैक्स लेता था। जब इसकी मृत्यु हुई तो इसके उत्तराधिकारी इसके शासन और इसके साम्राज्य को संभाल नहीं पाए, और फिर से एक बार राजनीतिक विघटन होना स्टार्ट हो गया। यशोधर्मन नहीं संभाल पाए, टूट गया पुष्यभूति वंश, और कन्नौज का इतना महत्व बढ़ चुका था कि इस पे उसी समय हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद एक अलग राजनीतिक संघर्ष स्टार्ट हो गया कन्नौज को लेके, जिसको हम लोग कहते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। शायद हर्षवर्धन होता तो यह संभव नहीं था कन्नौज को लेके। आपको पता ही है कि त्रिपक्षीय जो संघर्ष होता है या फिर त्रिकोणीय संघर्ष जो इतिहास में पढ़ते हैं, वो कन्नौज को ही लेके हुआ था। दक्षिण से राष्ट्रकूट, पूरब से पालवंश और उत्तर पश्चिम से गुर्जर प्रतिहारों ने कन्नौज को लेके इंटरेस्ट था इन लोगों का, और ये आपस में लड़े, और फाइन देखिए गुर्जर प्रतिहार ही युद्ध शुरू किया, त्रिकोणीय संघर्ष जीते भी वही, फाइनली 200 वर्षों तक कहते हैं त्रिकोणीय संघर्ष चलता रहा। किसको लेके? कन्नौज को लेके। तो कन्नौज का इतना महत्व बढ़ चुका था कि इसको महोदय नगर कहा जाता था, और ऐसा एक संकेत हो गया था कि जिसका शासन कन्नौज पे, समझिए उसका शासन भारत पे नहीं। इसलिए कन्नौज को लेके त्रिकोणीय संघर्ष हुए। ध्यान रखिएगा, जो भी सवाल पूछे जाते हैं हर्षवर्धन से, मैंने चर्चा कर दिया, एक तो वो किसके संरक्षक थे, या फिर बाण भट्ट किसकी रचना है, वेन संग कौन थे, या फिर किसके दरबार में आए थे, उनका यात्रा वृतांत का नाम क्या है, खुद हर्षवर्धन किस भगवान का पूजा करता था, उसका दूसरा नाम क्या है, ना कन्नौज में बौद्ध संघ सभा किसने बुलाया था, इस तरह की चीज़ें पूछे जा सकते हैं। उसके खुद जो 3 नाटक उन्होंने लिखा, नागानंद, हर्ष, ये रत्नावली, प्रियदर्शी का, ये सब पूछ देता है। ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन रखिए मोटा मोटी, तो हर्षवर्धन से क्वेश्चन पीटी में नहीं छूटेगा। ठीक है।